वोचर बारह वोचर खत्म करो, बारह वोचर खत्म करो, हमारी मांगे कोई बात कोई बात कोई बात कोई बात, हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे वरना कुर्सी वरना कुर्सी वरना कुर्सी हमारी मांगे हमारी मांगे बारह वोचर हम आपके पास इसलिए आ गए हैं कि हमने दिन का प्रोटेस्ट रखा था पीएचई डिपार्टमेंट का। सर हम मानते सर एक एलिगेशन लगाया गया है ये बारह वोचर का, ये किसी डिपार्टमेंट में ना ये पीडीडी में ना आर एल में ना किसी डिपार्टमेंट में, ये खाम खाम हमें तंग करेगा हरासमेंट करने के लिए बारह वोचर का राइडर लगाया गया। हालांकि ये किसी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट किसी में नहीं है। हम आपके पास इसलिए आए कि हमारी जो ये बात है ऊपर तक आप पहुँचाएं। हम पी एच डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हमने लगभग 18 महीने की सैलरी ली है 4500 से आपसे 1700 से आपसे, अब हमारी लगभग 15 महीने से हमारी सैलरी है बंद करके खाम खाई में तंग किया हुआ है। ये मसला ये खत्म करवाया है और सर साहब मसला से नहीं है जिसमें लेटर लगाया हुआ है थाना मंडी का। सर डिस्ट्रिक्ट राजौरी की सर बात वो ठीक थाना मंडी की सर थाना मंडी 116 आदमी थन्ना मंडी में 116 आदमी जी सर पूरी थन्ना मंडी में नीड बेस पे काम करते हैं। अब काम क्या क्या है उधर का सर? पीएचई में सर बस पानी सर चलाना शाम को आप पानी चलाते हो जी सर? ठीक है। और सर पानी चलाते हैं 12 घंटे करते हैं सर। सर उनको सर बोल करते हैं सर तो सर पहले महीने से कितनी मिलती है इनकम सर? 750 750 750 फिर वो उसमें स्किल्ड में आते हैं सर स्किल्ड में तो उसमें आपसे से कोई अभी उसमें आया है रेगुलराइजेशन में सर? कोई नहीं है। कोई नहीं है 520 में कोई नहीं है सर? कोई नहीं है। अच्छा तो कितने कितने साल हो गए आपको काम? सर मैं 2005 से काम कर रहे हैं लेकिन 15-16 साल हमें लगभग हो गए 15-16 साल हो गए जी सर। ठीक सारे क्वालिफाइड बच्चे हैं सारे जी सर? सब 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 क्वालिफाइड सब लोकल ही हैं? सब लोकल ही सर। अब आपको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है क्या? सर हम पे एक सर 12 वोचर का राइडर लगाया गया है। हाँ। सर वो किसी डिपार्टमेंट नहीं है ना सर आर एल में ना सर पीडीडी में ना सर फॉरेस्ट में सर। सर हम उसके बाद हम तनख्वाह सर हमने 4500 की तनख्वाह ली है 1750 भी ली है सर। हमारे अकाउंट में पैसे आते थे सर। उसके बाद जो हमारे अफसर साहब आए इन्होंने भी दो तीन सैलरी हमें दी रही है उसके बाद सर हमें खाम खा बंद किया गया हमारी जो सैलरी। अच्छा जी सर। जब आप काम कर रहे हो तो फिर क्यों तनख्वाह ना दें सर? आप लोकल सर या फिर किसी से पूछ सकते हैं। वर्कर हैं हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के खासकर थाना मंडी सब डिवीजन के हैं ये सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब डिवीजन लेवल पर और इनकी डिमांड यही है कि एक अरसे से जब ये इस डिपार्टमेंट से आए हैं डिपार्टमेंट ने इनको इंगेज किया है एज ए नीड बेस्ड वर्कर और ये डिपार्टमेंट बड़ा क्रूशियल और एसेंशियल है क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस में आता है। ये पानी की सप्लाई को बहाल करते हैं उसमें काम करते हैं दिन रात अपनी कोशिश करते हैं। मुतालबा इनका यही है कि इनको इतना काम करने के बावजूद जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से वक्त पे जो है इनके वेजेस बागजार नहीं हो रहे हैं और जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ अलग अलग लड़कों ने ये भी बताया है कि 15-16 महीने से उनकी जो वेजेस हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। अब इनके मुतालबात यहाँ लेते हुए मैंने कंसर्न एक्सियन साहब से बात भी की है कि आप वेरीफाई कर लीजिए कि जो लोग वाकई हकीकतन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस अगर मौजूद है डिपार्टमेंट में और अगर वाकई ही वो अपना अटेंडेंस जो है वो पूरी साबित करते हैं तो उनका वेजेस मिल जाना चाहिए। और वेजेस के लिए क्योंकि सरकार ने एक अलग हेड क्रिएट किया हुआ है और उसमें स्किल्ड अनस्किल्ड हैं और जैसे ये बता रहे हैं इनमें मैक्सिमम जो है वो स्किल्ड में आते हैं जिनका वेजेस 67 रुपये पर मंथ बन रहा है तो 6700 रुपये जो पर मंथ इनकी स्किल्ड वेज जो है उसके हिसाब से ये डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अलग अलग इन्होंने ऑर्डर दिखाए हैं किसी का 2005 से ऑर्डर है 2007 से 2010 से अलग अलग वक्त में ये लगे हैं और अगर ये वाकई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो इनका मतालबा ये बिल्कुल सही है कि इनको वक्त पे जो इनके वेजेस हैं वो मिल जाने चाहिए। मैं इनकी तरफ से जो है वो इनके कागजात लेके डिपार्टमेंट को लिखूंगा और ऊपर भी सेक्रेटेरिएट में एक कॉपी करूंगा विद इनकी रिक्वेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि इनको इनके वेजेस जो हैं वो मिले। मैंने जैसे इनके इस रेजोल्यूशन में भी लिखा हुआ है कि पीएचई डिपार्टमेंट जो है वो कुछ इस किस्म की डिमांड कर रहा है जो इनके मुताबिक के बाकी डिपार्टमेंट्स में ऐसा नहीं है।
इसी मुतलक मैंने जो कंसर्न पीएचई के एक्सिन साहब हैं मुश्ताक साहब, उनसे बात की है और मैंने उनको कहा है कि आप देख लीजिए कि अगर एक्सक्लूसिवली इस डिपार्टमेंट में है तो इसकी क्या अजवाजीत बनती है, और अगर ये बात सही है कि 12 महीने की जो पूरी डिटेल चाहिए उसके बाद वेजेस मिलेंगे, ये क्या रेगुलराइजेशन के लिए है या इनका जो वेजेस है रिलीज करने के लिए उसके लिए है? तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है आप इसको वेरीफाई करके कम से कम इनकी इनके वेजेस इनको दे दीजिए, बाद में रेगुलराइजेशन का प्रोसेस अलग से कर लीजिएगा। तो फिर भी ये डिपार्टमेंट जो है वो इसमें वेरीफाई करे और देखे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इमीडिएटली इसमें मुझे रिपोर्ट दे दीजिएगा कि क्या वाकई ही किसी वजह से इनका वेजेस जो है वो रोके जा रहे हैं या इनको कोई और ना काम करने की वजह से रोके जा रहे हैं, वो इसका ब्रीफ करें, क्योंकि ये लड़के काम करने वाले हैं, वक्त पे जो है वो पानी सप्लाई भेजते हैं, पानी रोकना है, डाइवर्शन, सारा चीजें जितनी भी हैं फील्ड पे वो यही लोग मैनेज करते हैं। राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर अनाउंसेस कोचिंग फॉर 8th, 9th, 10th ऑल सब्जेक्ट्स, 11th, 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स, ऑल्सो एंट्रेंस कोचिंग फॉर LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU एंड मोर। फॉर एडमिशन विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर, कॉल ऑन 9622888333, 9469888333।